सो हे क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच कमिंग इन दिस चैनल। सो आज हम बनाएंगे आई ड्राइंग, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम बनाए थे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। देखो ऊपर क्या रहता है, आईब्रो, फिर आईलेस, फिर उसके बाद आई आती है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। सो बिना किसी रुकावट के लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। हम पहले ना एक स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बना देंगे, ठीक है ना। और आप इतना ध्यान रखो, अगर टू आइज बना रहे हैं तो जितनी आपकी एक आंख रहेगी वो दूसरी रहेंगी, एंड जितनी आपकी तीसरी रहेगी उसका बीच का गैप उतना रहेगा, ठीक है ना। सो फिर हम ऐसे आई बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम एक उससे तो रफ कर देंगे जो हमारी वेस्ट लाइन से, फिर इसके बाद हम उसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे जितनी आपको आई चाहिए, जैसे आपकी छोटी एकदम, जैसे आप थोड़ा खुला रख रहे हो या बंद कर रहे हो, उसके आप पर डिपेंड रहता है। अगर आप पूरा खुला रख रहे हो तो पूरा वो सर्कल आएगा, एंड हाफ रख रहे हो तो हाफ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर का थोड़ा ऐसा रहता है ना अपना, थोड़ा सा लाइन दिखती है देखो हमारे आई के ऊपर, आई के नीचे, तो हम वो पूरे बना देंगे, ठीक है। फिर ना हम इसके अंदर का आईबॉल बनाएंगे। सो आप कभी भी आईबॉल बनाओ ना तो ऐसा करना, थोड़ा सा वाइट एरिया कुछ कैप छोड़ना तो अच्छा दिखेगा आपका, एंड मैंने ऐसा बनाया है, आप भी ऐसा बनाना, ठीक है। फिर हम आई शेड जो रहते हैं उसे पूरा नहीं करेंगे, इसे सब हम ऐसे देख रहे कहाँ पर कैसा आएगा वो, ठीक है। और आईब्रो का भी देख लेना, आईब्रो आप अगर देख के फोटो दिखा रहे हो तो उसके अंदर पता चलेगा आईब्रो कैसे। तो नॉर्मली आप एक इंच तक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो आईबॉल रहता है वो सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा, तो हम फर्स्ट आईबॉल को एकदम डार्क कर देंगे। और हाँ, जो हमारी आई की ड्राइंग मीन्स आई के अंदर का जो है वो देखो, वो हम लाइट टू डार्क शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लाइट टू डार्क करोगे तो इससे मस्त एक अच्छा टेक्स्चर दिखेगा, एंड जो वाइट एरिया जो उनका वाइट नहीं रहता ज़्यादा, उसमें हम ना थोड़ा ग्रे कलर कर देंगे, थोड़ा शेडिंग कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। एंड ये मैं शेडिंग से बना रही हूँ, जो अगला वाला रहेगा वो मैं ड्राइंग पेंसिल से बनाऊँगी, एंड वो ना मैं सिर्फ ब्लेंडिंग करूँगी उसके अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड ऐसा शेडिंग कर दूँ तो अच्छी लगेगी, ठीक है। अब ये तो डियरली नेक्स्ट ड्राइंग है जिसमें मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है। आई मैंने पहले ही बना दिया था उसे, फिर वो इस पूरे शेप करेंगे, बट इसके अंदर में शेडिंग के बदले ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सो ये वही शेप है, आप वही कर सकते हो, ठीक। और इसके अंदर मैं HB 4B एंड 8B पेंसिल्स ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो डार्क रहेगा वो रहेगा 8B से, एंड बाकी सब 4B एंड HB से रहेगा, ठीक है ना। और बाकी पूरा वही स्टेप से, एंड ब्लेंडिंग करना है तो लाइट करना, डार्क मत करना, ठीक है ना। ऐसे ही आज का हमारा दोनों का दोनों ड्राइंग भी ख़त्म होते हैं। सो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, बी हैप्पी, प्रैक्टिस दिस ऑल्स, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू, बी पेशेंस, एंड बाय बाय।